एसीएल लिगामेंट की इंफॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट की चोट जब भी किसी को लगती है तो एकदम से स्ट्रेस में आ जाता है कि पता नहीं अब मेरे घुटने का क्या होगा। ज्यादातर ये चोट है वो यंगस्टर्स को लगती है, तो सोचते हैं कि अभी से ही मेरे घुटने का ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर तो पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से छोटा सा ऑपरेशन होता है और आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जिनकी सर्जरी हमने की थी परसों, तो मैं उनको एक्सरसाइज सिखाने आया हूँ। तो मैं कुछ बता रहा हूँ आपको एक्सरसाइजेस की क्या क्या करनी चाहिए और इनका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? गौरव। तो गौरव, आपके लिगामेंट की चोट कैसे लग गई थी? एक्चुअली डांस करते हुए लगी है, तो बहुत ही अजीब बट लग गई। तो आपको क्या प्रॉब्लम महसूस हो रहा था पैर के अंदर? जब मैं चलता था ना तो मेरे पास ऐसा लगता था जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने में इस वाले पाँव में बहुत पेन आता था, तो ठीक बुट नहीं रहा ढंग से, वॉक कर पा रहा था हल्का हल्का लेकिन रन नहीं कर सकता था, जॉग नहीं कर सकता था। तो ये मेजर प्रॉब्लम, स्पीड नहीं बन रही थी आपके? हाँ, और कॉन्फिडेंस नहीं आता था पाँव रखते वक्त। और अगर नीचे बैठना होता था, जैसे कभी कभार नीचे बैठना होता है तो नीचे नहीं बैठ पाता था ठीक से। अच्छा, तो आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लगी थी? तो मेरे मॉम डैड उधर गए थे 4 days पे, तो किसी ने वहाँ पे जो आए थे उन्होंने रिकमेंड किया था आपको कि तो आपको हमारे यहाँ का जो टोटल ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस था और आप जो पहले मिले हो, कैसा रहा आपका टोटल एक्सपीरियंस? मैं जब आया था तो मैंने दिल्ली में ना पारिस में दिखा था, लेकिन उसके बाद यहाँ आने के बाद जब मैं मिला तो सबसे ज़्यादा हैरानी चीज़ ये हुई कि मैं आते वक्त तो मैंने नी ब्रेस्ट लगा रखा था, वगैरह लगा रखा था। इन्होंने कहा कि सीसा उतार दो, और मैंने छड़ी दे रखी थी, छड़ी उतार दो, खुद वॉक करो। जाते मैं आते वक्त तो घर पे ऐसे छड़ी उसके साथ गया था, लेकिन जब मैं वापस आया छड़ी वड़ी हट गई थी, वॉक करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट 15 days मेरी मूवमेंट होने लगी और मैं 15 दिन के अंदर वॉक करने स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद अभी सर्जरी। तो जब भी एसीएल लिगामेंट की आपको चोट लगती है तो कई लोग ये मिस्टेक करते हैं जो गौरव के साथ भी हुई थी कि वो नी ब्रेस लगा लेते हैं और वॉकर या नी स्टिक यूज करते हैं, तो उससे आपकी मसल्स और कमजोर हो जाती है। लिगामेंट की जो चोटें होती है उसके अंदर आपको कोई बेड रेस्ट का रोल नहीं होता, उसके अंदर कुछ ऐसा भी नहीं होता कि आप कोई प्लास्टर या नी ब्रेस लगाए। अगर आपको डॉक्टर ने नी ब्रेस दिया भी है तो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे पैर को बेंड करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पैर को सीधे ही रखते हो तो पैर जाम हो जाता है और उससे फ्यूचर में और ज़्यादा मतलब आपको 2 ऑपरेशन कराने पड़ सकते हैं, एक बेंडिंग का और उसके बाद फिर ACL का। तो गौरव टाइमली मेरे पास आ गए थे, तो मैंने इनकी स्टिक छुड़ाई और 15-20 दिन इनको एक बार नॉर्मल रूटीन में लाए, और जब ये एकदम कंफर्टेबल हो गए उसके बाद हमने सर्जरी प्लान की, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि अगर आप देखिए कि आदमी 20 दिन से स्टिक से चल रहा है और फिर आप सर्जरी करते हो और उसके बाद 10-5 दिन वॉकर से चलता है तो उसकी पूरी हैबिट ही खत्म हो जाती है, तो उसका रिहैब बहुत लंबा हो जाता है। गौरव, मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ जो आपको करनी है। तो घुटने को नीचे प्रेस करना है, प्रेस करिए, टाइट करिए, दोनों कुछ टाइट करिए, है ना, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है हम घुटने को फोल्ड करने लग जाते हैं, तो वो आपको नहीं होने देना है। घुटने के नीचे कोई जगह नहीं बचनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि अपने को पूरा हाइपर एक्सटेंशन जाना है, लेकिन फ्लैट कर देना है, ठीक है, और इसको टाइट करके 10 सेकंड होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डीला करो, फिर टाइट करो। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 50-60 times करनी है, फिर घुटने को टाइट करना है, होल्ड करना है, फिर 10 सेकंड होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स करना है, ठीक है। अब आप दोनों हाथ अपने इस थाई के नीचे लगाइए, इस वाली थाई के नीचे दोनों हाथ लगाइए, ये वाला भी इसके नीचे, और धीरे जेंटल तरीके से पैर को बेंड करना है आपको रोज, जैसे आज यहाँ पे कल यहाँ पे, ऐसे करके करीब 90 degree आपको बेंड करना है 30 days में, और फुल बेंड आपको करना है 55-60 days में, ठीक। इसमें कभी भी रश नहीं करना है, आपको ये डर रहता है कई बार कि पैर जाम नहीं हो जाए, तो कई लोग 5-7 दिन में ही पूरा पैर बेंड कर लेते हैं, तो दैट विल पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन लिगामेंट। तो ग्रेजुअली आपको 1-1 degree करके मूव करना है, ठीक है। और नी ब्रेस है आपको सोते वक्त, रात को और दिन में जब आप चलते हो तो लगाते रहना, लगाइए इसको, जैसे आप टीवी देख रहे हो एकदम रिलैक्स हो तो तभी खोल भी सकते हो, मतलब 24/7 रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो रोल है वो इस रात को सोते वक्त है और इस दिन में चलते वक्त है, क्योंकि उस वक्त कई बार हम करवट लेने में रिलैक्स होने के चक्कर में झटका मार सकते हैं। अब इसमें अपने को स्ट्रेट लेग रेस की एक्सरसाइज करनी है, और आप नीचे खिसक के पूरा लेट जाओ, ओके। अब आप सीधे पैर को लिफ्ट करो, करो कोशिश, कोशिश करो, थोड़े से हेल्प कर लो, हाँ करो, ठीक है।
तो ये एक्सरसाइज करने में कई बार कई लोगों को 7 से 10 दिन का टाइम लग सकता है। अब वो धीरे धीरे पूरे पैर को सीधे उठाने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप दिन में 20 से 25 बार बेंडिंग करनी है, 20 से 25 बार घुटना दबाना है और 20 से 25 बार पैर को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक से एक्सरसाइज है जो आपको आने वाले 60 डेज तक करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपका टारगेट यही है कि घुटना पूरा मुड़ जाए, पैर उठने लग जाए, 2 महीने के अंदर आप अपने ये जो वॉकर है ये आपको 2 वीक्स के बाद छोड़ देना है। तब आप मेरे पास जब आओगे तो स्टिच रिमूव कर देंगे आपके, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आपको करनी होती है। कई लोग ACL सर्जरी कराने के बाद मुझे वीडियो भेजते हैं कि सर अब 3 महीने हो गए हमारे डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है। तो ये एक्सरसाइज आप जो मैंने आपको बताई कि आप ACL सर्जरी के 48 आवर्स में स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपके पैर की पूरी बैंडिंग आ जाएगी, ठीक है बेटा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है।